नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण समाज का विषय है और इसे समाज को ही देखना होगा। यानी कि उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही बातों पर वो हैं कि चाहे दूसरे राज्य भले इसे लागू कर दें, लेकिन बिहार में ये समाज का विषय है और समाज ही इसको देखेगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून 1952 में आया था और उस अधिकार दिया गया, बंधीकरण का अधिकार दिया गया, बहुत कुछ योजनाएं चलाई गई, लेकिन फिर भी जनसंख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन फिर भी वो योगी द्वारा बनाए गए कानून या जो कानून आसाम में लागू होने जा रहा है उस पर वो अडिग नहीं है। क्या है ये खास रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जनसंख्या नियंत्रण कानून पर, आपको सुनाते हैं। देखिए, मैंने बहुत विस्तार से भी आप सब लोगों के सामने बातें कही हैं। यह जनसंख्या के संदर्भ में परिवार नियोजन का कार्यक्रम देश में 1952 में बना और स्वास्थ्य विभाग को इस परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेवारियां दी गई कि हेल्थ सेक्टर में किस तरीके से काम करके, चाहे वह बंधाकरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह अन्य गर्भ निरोध के जो उपाय हैं वो उपलब्ध कराने, उसके बारे में जन जागरूकता लाना, ये सारे कार्य जो करने हैं, ये कार्य करने की जिम्मेवारी स्वास्थ्य विभाग को दी गई और स्वास्थ्य विभाग उस काम को लगातार करता रहा है। और बिहार में अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आया है उसके अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट घट के 3 पर आ गया है, जो कि बिहार के लिए अच्छी खबर है। आगे आने वाले समय में ये और कम हो, ये हमारा प्रयास होगा। यह जनसंख्या का जो विषय है, यह संपूर्ण समाज से जुड़ा हुआ विषय है, सामाजिक सहभागिता का विषय है और जन अभियान है ये। और इस जन अभियान में सभी लोगों को साथ में लेके चलना और इस जन अभियान की सफलता के लिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के माध्यम से खास करके जो हमारी बच्चियाँ हैं उनके विशेष शिक्षण के लिए इस बार से जब दोबारा सरकार बनी है 2020 में, तो आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय फेज 2 में जो इंटरमीडिएट पास अविवाहित बच्चियां हैं उनको 25,000 और ग्रेजुएट पास लड़कियों को 50,000 देने का निर्णय किया है। और यह कार्यक्रम 3 साल पहले से चल रहा है। पूर्व में भी इंटर पास बच्चियों को 10,000 और ग्रेजुएट पास बच्चियों को 25,000 दिया गया है, तो इसका लाभ अब दिख भी रहा है। और शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़े इसके लिए पंचायतों में हाई स्कूल खोले गए। तो हम हर तरीके से स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भी जो काम करने हैं वो कर रहे हैं, शिक्षा विभाग के माध्यम से जो काम करना है कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के दृष्टि से जो काम करना है वो हम सब लोग कर रहे हैं। और अंततः लक्ष्य यही है कि जो 1952 से इस देश के अंदर कार्यक्रम शुरू हुआ है परिवार नियोजन का, उस कार्यक्रम को हम लोग सफल करें। तो आपने सुना, ये थे मंगल पांडे। मुख्यमंत्री की ही बातों को एक तरह से उन्होंने हामी भरा कि मुख्यमंत्री शायद सही कह रहे हैं कि समाज का विषय है, शिक्षित करके समाज को शिक्षित किया जाएगा तब ये अपने आप जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। अब देखना है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की बातों का बिहार की जनता पर कितना असर आता है, समाज पर कितना असर पड़ता है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।